जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज 15 अगस्त है, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए MM Academy आपके लिए ह्यूज डिस्काउंट लेकर आया है। आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 500 ऑफ मिल रहा है और दो साल के सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 1000 रुपीज ऑफ मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। आपको जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके आपको ह्यूज रिटर्न्स जो है वो भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपको MM Academy ऐप पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इतने कम प्राइसेस में अगर आप इफेक्टिवली देखो तो एक दिन के आपको कुछ 10 से 15 रुपए पड़ रहे हैं। वो तो अगर हम ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो हमें ट्रेवलिंग का खर्चा ही उतना आ जाता है। तो इतने कम प्राइसेस में घर बैठे बैठे आपकी हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ प्रिपरेशन हो रही है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। फ्लैट 500 ऑफ है एक साल के सब्सक्रिप्शन पर, फ्लैट 1000 ऑफ है दो साल के सब्सक्रिप्शन पर, और जो ऑफर है वो सिर्फ आज ही के दिन अवेलेबल है। तो आज शाम तक, आज रात तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो और आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप काफी ज्यादा आपको फायदा जो है वो मिलने वाला है। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगहों पर ऐप की मिल जाएगी। तो आज हम 15 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंस्टाग्राम पर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आती है तो मैं उस पर रिप्लाई जरूर करता हूँ। उसी के साथ साथ MM Academy फैमिली में जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए स्पेशली जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो रहता है, जहां पर मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली एक एक के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। आपको काफी सारे वीडियोज जो है यूट्यूब पर भी दिख जाएंगे किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, और किसी भी तरीके के अगर आप डाउट होते हैं तो वो सारे डाउट्स मैं कोशिश करता हूँ कि क्लियर करूँ, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदा मिले। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो जो है वो कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो प्लेस जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो जगह है ये प्लेस है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज आइडिया स्पेस देखते हैं तो देखिए आज हमें जो 15 अगस्त है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आज़ादी से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है, इसलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा वो हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की गई है। पहले भी हालांकि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में चर्चा की है, लेकिन जो भी आज नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे, जिससे कि आपको प्रीलिम्स उसी के साथ साथ मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में फायदा मिले। उसी के साथ साथ इजराइल और यूएई के बीच में जो एक समझौता हो रहा है उसके संदर्भ में हम काफी सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया को क्या फायदा हो सकता है इसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर SFT लिस्ट जो है उसमें एक्सपांशन हमें देखने को मिला है। अब जहां पर आपके जो ट्रांजेक्शन है उस पर नजर रखी जाएगी। उसी के साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क भी रहने वाला है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है उस एक्ट के बारे में, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, मोस्टली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट एक्ट्स है, वो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो एक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके रिगार्डिंग भी न्यूज में आया हुआ है, आज के ही पेपर में देखने को मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। CBI के साथ क्या डिफरेंस है उसका वो भी देखेंगे। आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर में इतना डिटेल में आता नहीं है, तो बट ऑब्वियसली मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको NIA और CBI में डिफरेंस जो है वो दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ पॉस्को एक्ट जो है, क्योंकि एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हमें देखने को मिला है जहाँ पर एक छोटी जो बच्ची है वो जब टॉयलेट करने के लिए जा रही थी बाहर तो उसका किडनैप किया गया और उसका रेप किया गया, माइनर थी, तो इसीलिए जो पॉस्को एक्ट है ये भी काफी न्यूज में आ जाता है। तो पॉस्को एक्ट के बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये भी न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है, तो काफी सारे एक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिल रही है, तो काफी हेल्दी इन्फॉर्मेशन हम आज के इस न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट इस पर आते हैं जो कि इसराइल UAE US डील के बारे में बात कर रहा है। इसमें गेनर्स कौन है, इसमें लूजर्स कौन है, की टेक अवेज क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि इसराइल और UAE कहाँ पर है और ये इतना बड़ा मसला क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी कंट्रीज जो है आपस में
जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बनाती रहती है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी चीज क्यों हो रही है? और यूएसए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा क्यों बयान आया है कि ह्यूज ब्रेक थ्रू टूडे, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रेट फ्रेंड्स, इसराइल एंड यूनाइटेड अरब इमीरेट्स। मतलब ये इलेक्शंस के दबाव में सच में बह गए। तो यहां पर इसराइल और यूएई जो है यूएसए के द्वारा हेल्प किया गया है ऐसा बोला जा रहा है, और वो एक पीस अग्रीमेंट के तरफ आए हैं। पीस अग्रीमेंट क्यों हो रहा है? इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, हमने देखा नहीं कभी कि इनके बीच में झगड़ा चल रहा है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैप में देखने को कहां पर मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये है यूनाइटेड अरब इमीरेट्स, यहां पर हमें सऊदी अरेबिया जो है वो देखने को मिलता है, और यहां पर आपको इसराइल जो है ये देखने को मिलता है। अब आप सभी को पता है इसराइल जो है काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है गाजा स्ट्रिप को लेकर, फिलिस्टीन को लेकर। उसी के साथ साथ यहां पर हमें इजिप्ट जो है ये देखने को मिलता है, यहां पर आपको ऊपर लेबनान जो है ये देखने को मिलता है। अभी आपको पता है कि लेबनान जो है काफी न्यूज में था, है ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली न्यूज में रहता ही है। उसी के साथ साथ यहां पर आप देखोगे तो ये है स्ट्रेट ऑफ, क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहां पर हमें ईरान जो है ये देखने को मिलता है, है ना? उसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें ये वाला जो स्ट्रेट है, मतलब ये रेड सी, ये वाला जो स्ट्रेट है ये स्ट्रेट कौन सा है? बाब एल मंडब स्ट्रेट। तो इस तरीके से स्ट्रेट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से मैप बेस्ड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर अगर हम देखते हैं स्विस कैनल हमें देखने को मिलता है, यहां पर मेडिटेरियन सी जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं उसी के साथ साथ यहां पर आप बता सकते हो ये कौन सा सी है? तो एक जो सी हमें वहां पर देखने को मिलता है उसके पास, वो कौन सा सी है क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? तो इस तरीके से हमें कुछ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो हमने मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब हम यहां पर चलते हैं जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है। अब देखिए इसराइल जो है वहां पर पैलेस्टीन का इशू जो है काफी ज्यादा चलता है, मतलब कि जो इस्लामिक जो सिनारियो है उसका इशू काफी ज्यादा चलता है, इसलिए इस्लामिक कंट्री जो है काफी ज्यादा अपोज में रहती है। अब यहां पर इसराइल अगर हम देखें पूरी तरीके से इसे एक्सेप्ट करना, ये अब यूनाइटेड अरब इमीरेट्स, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी कंट्री के साथ अगर समझौता कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उस कंट्री को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हो, तभी तो उसके साथ समझौता कर रहे हो ना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ, अगर आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, छोटे बच्चे हो, तो फिर आपके साथ अगर किसी भी इंसान को अगर कोई भी वार्तालाप करना है तो किसके साथ करेगा? आपके पेरेंट्स के साथ करेगा। डायरेक्टली आपके साथ करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली उतने सक्षम नहीं हुए हो कि आप खुद के निर्णय ले पाओ। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो उसके बाद फिर आपसे सीधी चर्चाएं होती है, आपसे सीधी वार्तालाप होती है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री के अंडर में है, वो सोवरन कंट्री नहीं है, तो फिर जो कंट्री उसके ऊपर कंट्रोल रख रही है उसके साथ चर्चाएं होगी, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कंट्री इसराइल को एक इंडिपेंडेंट सोवरन नेशन मानती है। इतना आपको समझ में आ गया? तो जब अब यूनाइटेड अरब इमीरेट्स ने इसराइल के साथ जब वार्तालाप किए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, पीस ट्रीटी, पीस अग्रीमेंट की यहां पर बात की है, तो बट ऑब्वियस है कि वो इसराइल को एक इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री जो है वो मान रहा है। अब आपको लगे इसमें बड़ी चीज क्या है, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन जो अरब कंट्रीज है वो नहीं मानती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अरब कंट्रीज नहीं मानती है। देखिए शिया और सुन्नी इनका जो झगड़ा है वो तो चलता रहता है। यहां पर अगर हम इसराइल देखें तो वहां पर पैलेस्टीन की वजह से जितनी भी अरब नेशंस है, जितनी भी अरब कंट्रीज है, वो यहां पर हमेशा जो इसराइल है उसके अपोज में रही है। लेकिन अब यहां पर यूनाइटेड अरब इमीरेट जो है, इसलिए यहां पर पीस ट्रीटी बोली जा रही है, पीस अग्रीमेंट बोला जा रहा है, कि अब यहां पर शांति के साथ हम यहां पर टाइज जो है वो अपनाना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया बेसिक प्रॉब्लम क्या था और क्यों यहां पर इतनी बड़ी न्यूज ये निकल कर आ रही है, और यूएसए के लिए क्यों अच्छा है। यूएसए जो है उनके और इसराइल के आप सभी को पता है किस तरीके से रिलेशन चल रहे हैं, और ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो चाइना हो जाए, रशिया हो जाए, इसके साथ यूएसए का खट्टापन चल रहा है, तो वो चाह रहा है यूएसए की मिडिल ईस्ट जो है वह अगर उसके ताबे में आ जाता है, वह अगर उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, या फिर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा मैं एक मीडिएटर का रोल अदा करूं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उतना मेरे वोटर्स को मुझे बताने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है। इसलिए डेस्परेटली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हर जगह यहां पर इंटरफेयर जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरफेयर बोलने के बजाय अपना जो एक वर्चस्व है वो यहां पर जताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ इसराइल के जो रिलेशंस है वो इसीलिए इतने न्यूज में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर बिग डील क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा यूएई जो है यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश करने वाला है इसराइल के साथ इन रिटर्न ऑफ प्रेसिडेंट जो नेतन्याहू है उनके साथ, ठीक है। अब क्या है बेसिकली कि वेस्ट बैंक, पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रीप है ना, ये कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रहे हैं। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हाँ इस पर हम चर्चा करेंगे, मतलब क्या है कि यूएई जो है वो बोलेगा कि मुझे पैलेस्टीन का अच्छा चाहिए, वेस्ट बैंक का अच्छा चाहिए। तो यहां पर क्या है इसराइल के जो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं लीडर प्रेसिडेंट, तो वो बोल रहे हैं ठीक है हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो ये बोल रहे हैं हाँ ठीक है फिर हम भी आपके साथ रिलेशन जो है वो बताने के लिए सही है। तो बेसिकली यहां पर दिखा किस तरीके से जा रहा है कि ये जो है ये तो उन्होंने नॉर्मली बोल दिया है, बेसिकली इनको सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज जो है ये बनाना है। इस तरीके से इस एंगल से इस चीज को देखी जा रही है। यूएई जो है अब ये थर्ड अरब नेशन बनता है। देखिए अरब नेशन की बात हो रही है, ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यूएई जो है ये थर्ड अरब नेशन बनता है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। तो पहले दो कौन से हैं, एक तो है इजिप्ट जिसने 1979 में किया था, दूसरा है जॉर्डन जिसने 1994 में किया था। अब सोचिए कि इतने सालों के बाद, कितने साल बीत गए 1994 से, उसके बाद अभी थर्ड अरब नेशन बन रहा है जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया है। अब आपको लगेगा कि यहां पर जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है ये सऊदी अरेबिया जो है इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसके आगे कैसे चला गया है ना। सऊदी अरेबिया जो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो अगर देखा जाए तो एक लीडर हमें देखने को मिलता है अरब कंट्रीज का, जितनी भी अरब कंट्रीज है उनका एक लीडर है, जो भी ये बोलेगा उसका वर्चस्व यहां पर बनता है। तो फिर यूएई ने ऐसे कैसे निर्णय ले लिया कि हाँ हम यहाँ पर इसराइल के साथ करेंगे, जबकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक वैसा निर्णय नहीं लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर संशय जो है, शंका जो है वो जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो सऊदी अरेबिया है उसका भी बैकअप इसको रहे। अब यहाँ पर जो अग्रीमेंट किया जा रहा है ये कौन से संदर्भ में रहेगा, कौन से इसमें अग्रीमेंट में यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे के साथ किस तरीके के रिलेशन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर दोनों जो कंट्रीज है ये यहाँ पर बायलैटरल टाइज, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो जाए, टूरिज्म से रिलेटेड हो जाए, डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड हो जाए, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन, टेक, एनर्जी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जिसमें बायलैटरल ट्रेड जो है, बायलैटरल अग्रीमेंट जो है वो इन दोनों के बीच में होने वाला है। प्रायोरिटी बेसिस पर अगर देखें इसराइल और यूएई जो है ये वैक्सीन जो है कोविड-19 की उसके लिए काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे यूएसए जो है, रशिया जो है उसने ऑलरेडी क्लेम कर दिया है कि हाँ हम यहाँ पर जो वैक्सीन है निकाल चुके हैं। अब यूएसए पर आ गया है दबाव क्योंकि इतने दिनों से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोलते फिर रहे थे कि हम यहाँ पर वैक्सीन निकालेंगे, हम यहाँ पर वैक्सीन निकालेंगे, लेकिन रशिया जो उसने क्लेम कर दिया। अब हालांकि बहुत सारी कंट्रीज जो अपोज कर रही है कि रशिया ने जो निकाली उस पर प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, फलाना नहीं, ढिमकान नहीं, लेकिन यहाँ पर उसने क्लेम तो कर दिया है ना। तो बट ऑब्वियस है कि डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर आ चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके की चीजें करके वो हो सकता है कि जो वोटर्स हैं उनको भी प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब पैलेस्टाइन जो है उसका क्या हुआ है, जो इतना बड़ा इशू था, जो अरब कंट्रीज अब तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे इस इशू को लेकर, तो फिर अब इस इशू का क्या हुआ है। तो यहाँ पर पैलेस्टाइन के लिए इसराइली कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ मतलब जो हम एनेक्सेशन है वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो छूट है वो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो पैलेस्टाइन है उसको स्टेटहुड का दर्जा ये एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब ये क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता है ना अंदर के अंदर इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अरब स्टेट जो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि थर्ड अरब कंट्री बन रही है तो जब बाकी के अरब नेशंस है उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो देखिए सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, हालांकि जो रूलिंग फैमिली के प्रिंस है उन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को, इसराइल पैलेस्टीन जो पीस है उसके लिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेकुलेशंस है वो निकल कर आ रहे हैं कि यूएई जो एक छोटा नेशन है और सऊदी अरेबिया का इतना बड़ा दबदबा होता है, तो बट ऑब्वियस है कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन जो है वो यूएई बिना सऊदी अरेबिया के बैकअप के नहीं ले सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ सऊदी अरेबिया का जो है वो भी बैकअप होगा। अब आपको ये लगेगा सऊदी अरेबिया का बैकअप क्यों होगा, क्यों सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल के साथ रिलेशन बनाने के लिए बैकअप करेगा, और खुद अगर इतना ही था तो खुद यहाँ पर जो रिकॉग्निशन है वो क्यों नहीं कर रहा है, खुद यहाँ पर अपने टाइज क्यों नहीं बना रहा है। तो देखिए एक तो चीज होती है कि वो एक अरब कंट्रीज जो है उनका एक बॉस तरीके का है, ठीक है, तो वो जो करेगा वो मतलब सारी अरब कंट्रीज मान रही है, इस तरीके का भी एक होता है, एक स्टांस होता है।
इसीलिए वो इतना एक्सट्रीम तरीके से वो नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होता है, छोटी छोटी कंट्रीज को पहले छोड़ दो, उसके बाद हाँ अब इतनी कंट्रीज जा ही रही है तो हम भी कर लेते हैं। तो इस तरीके का एक सिनारियो देखा जा रहा है कि ये एक हो सकता है। दूसरा एक सिनारियो जो है उसमें शिया सुन्नी हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ईरान देखो, अगर आप इराक देखो, तो वहां पर हमें शिया मेजोरिटी कंट्रीज ये देखने को मिलती है ना। और अगर हम सऊदी अरेबिया, ये सारी जो अरब कंट्रीज है वो देखें, तो सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज जो है ये देखने को मिलती है। अब ऐसे सिनारियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ईरान और सऊदी अरेबिया अगर आप देखोगे प्रॉक्सी वॉर में भी चल रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर में बोलिए डायरेक्ट वॉर जो है वो भी उनमें बीच में देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यूएसए और ईरान का बहुत ही खतरनाक खटास चल रही है ना। ये तो हमें पता ही है कि यूएसए और ईरान जो उनकी बहुत ही बुरी तरीके की खटास चल रही है। तो अब ऐसे सिनारियो में यूएसए को क्लोज लाना जरूरी है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि ईरान जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर में चल रहा है, तो इसलिए यूएसए जो है उसे क्लोज लाना जरूरी है। यूएसए को क्लोज कैसे ला सकते हैं, जो उसके अलाइज है उसके साथ हम थोड़ा गठबंधन कर ले, मतलब कि जो दुश्मन का दुश्मन है उसके साथ दोस्ती करो और उसके जो दोस्त है उसके साथ दोस्ती कर लो। तो ये सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। याद आ रहा है, देखिए मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ संकलिया जुड़ाइए। इसमें आप बोलोगे इसमें कौन सी संकली है, इसमें संकली आपको याद होगा चाणक्य जो है उनका, जो हमने देखा था कि जो किंगडम है वो किस तरीके से रहना चाहिए, तो 12 चक्र जो हमने देखे थे है ना। यहाँ पर अगर है तो ये क्या होता है, ये हमारा दुश्मन होता है, ये क्या होता है, ये हमारा दोस्त होता है, ये दुश्मन का दुश्मन का दोस्त होता है इसलिए हमारा भी दुश्मन होता है। तो इस तरीके से हमने चक्रस देखे थे, याद आ रहा है मैंने आपको बताया था वो, ये हमें पॉलिटिकल साइंस में काम आता है, ये हमें एथिक्स में काम आता है, ये हमें बहुत सारी जगहों पर काम आता है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में काम आता है। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए। ये अगर आप खुद हो ये आपका दुश्मन है जो भी नेबर में बैठा हुआ है, ये आपका दोस्त है ये बाय डिफॉल्ट दोस्त है, फ्रेंड है ये आपका दुश्मन है ये आपका फ्रेंड है, ये जो रहेगा ये दुश्मन का दोस्त रहेगा इसलिए आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इस तरीके से चक्र है ये चलता रहता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निर्णय जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जो सऊदी अरेबिया है उसका दुश्मन मतलब यूएसए, तो इसके साथ क्या होगा, सऊदी अरेबिया दोस्ती बना लो, सऊदी अरेबिया ने दोस्ती बना लिया, तो इसके जो खास है यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है क्या, इजराइल, उसके साथ क्या करो, उसके साथ साथ ले लो, उसको भी साथ में ले लो। कैसे लेंगे, एकदम से चल जाएंगे तो अरब कंट्रीज में बखाल आ सकता है, इसीलिए पहले यूएई जो है उसको भेज दो। तो ये हमें चीज जो है दूसरी पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक पहला पर्सपेक्टिव हमने देखा, ये दूसरा पर्सपेक्टिव जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो शिया और सुन्नी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीजें हो रही होगी, या फिर सऊदी अरेबिया जो उसने यहाँ पर समर्थन किया होगा, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल चेंज कैसा आ सकता है, तो अरब स्टेट जो है अगर वो इसी तरीके से लाइन में आए, जितनी भी अरब ने, देखिए अब आ गई ना वो बात कि अब बाकी के अरब नेशन भी ये लाइन में आ सकते हैं, बाकी के अरब नेशन भी अब इसराइल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो बट अब सऊदी अरेबिया जो है यही बोलेगा कि हाँ सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, तो सभी एक साथ अरब कंट्रीज हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अगर सभी इसमें आते हैं तो यहाँ पर ड्रामेटिकली जितनी भी सुन्नी नेशंस है रीजन के, ये एंटी ईरान अलायंस जो है ये इसराइल के साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ईरान को और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ईरान को जो है वो नुकसान हो रहा है। अब अगर आप देखोगे इंडिया और इसराइल जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, इंडिया और इसराइल के रिलेशन दोनों तो मतलब गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, तो इंडिया और इसराइल के रिलेशन जो है काफी अच्छे हैं, इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो भी अच्छे हैं। तो एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान और उसकी प्रॉक्सी अलायंस जो है, सीरिया बोलिए, लेबनान बोलिए, इराक बोलिए, है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इनमें खलबली मच सकती है, इनमें प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड उसी के साथ साथ चाइना, ठीक है। तो ये भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बाकी पूरा वर्ल्ड है उसमें भी इसके जो रिपल्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पर ट्रंप है उसको हेवी गेन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लीगेसी चलती आ रही थी वो यहाँ पर खत्म करने की, मतलब जो अफगानिस्तान है वहां पर पीस लाने की कोशिश, यूएई इसराइल जो है उनमें यहाँ पर अग्रीमेंट लाने की कोशिश है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ईरान है उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर देना है ना, तो ये क्या है, यूएसए के एक अचीवमेंट में गिना जा रहा है। अब यूएसए के अचीवमेंट में गिना जा रहा है तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम उस जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है उसको भी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि क्या है, इंडिया और यूएई एक अच्छे रिलेशन में, हेल्दी रिलेशन में, इकोनॉमिक टर्म्स में बोल रहा हूँ, एक हेल्दी रिलेशन में है,
उसी के साथ इंडिया और इजराइल अगर हम देखें तो वो भी इकोनॉमिक टर्म्स में काफी हेल्दी रिलेशन में है। और देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल चीज को देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं, तो हमेशा रिलेशन ये तीन इस पर ही होने चाहिए, तीन ग्राउंड्स पर ही होने चाहिए। कौन कौन से? तो एक आता है पॉलिटिकल, दूसरा आता है इकोनॉमिक, तीसरा आता है सोशल। अगर ये तीनों किसी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे, तो मतलब उसके साथ रिलेशन हमारे बहुत अच्छे रहेंगे। अगर इसमें से कुछ हमारी खटास होती है, इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी होती है, तो ये होता है समझ लीजिए 60%, ये होता है 30%, और ये जो सोशल एस्पेक्ट होता है ये होता है 10%। क्योंकि सोशल एस्पेक्ट जो है ये काय के लिए इस्तेमाल होता है, ये इकोनॉमिक गेन बनाने के लिए ही काम आता है कि देखो हमारे नेपाल के साथ सोशल रिलेशन जो है वो इतने अच्छे हैं, पुरानी सभ्यता जो है वो चल रही है। लेकिन इन दी एंड क्या सोशल रिलेशन इतना काम आ रहा है? नहीं आता है। इन दी एंड इकोनॉमिक रिलेशन ही सबसे ज्यादा काम आता है। और दूसरा पॉलिटिकल रिलेशन, मतलब वो जो कंट्री में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, उस कंट्री में जो लीडर है वो लीडर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है। अब अगर हम देखें, अगर बिडेन चुनकर आता है, उनके साथ जो हमने आईडी देखी थी है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी वो एंटी इंडिया है, तो मतलब बट ऑब्वियस है कि वो अगर एंटी इंडिया है, अगर उस बेसिस पर वो चुनकर आ रही है, तो मतलब वो आइडियोलॉजी लोगों को पसंद आ रही है जो वोट देने वाले हैं, तो इसीलिए अपनी आइडियोलॉजी चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी, वो उसी आइडियोलॉजी पर रहेगी, तो इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम पॉलिटिकल रिलेशंस देखें, तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें सभी तरफ से जो पॉलिटिकल रिलेशन है इंडिया के, आइडियोलॉजी वाइज काफी फेवर में है, सिंक में हो रहे हैं, इंक्लूडिंग इजराइल, इंक्लूडिंग यूएई। तो ये एक चीज जो है हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के साथ। इकोनॉमिक रिलेशन अगर हम देखें, यूएई के साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छे, इकोनॉमिक इजराइल के साथ काफी अच्छे हैं, इंक्लूडिंग जो यूएसए हैं उनके साथ भी अच्छे चल रहे हैं। और वही अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें, तो सोशल एस्पेक्ट का कोई मतलब आता ही नहीं है, क्योंकि जब 370 हटा था तो वहां पर जो अपोज है वो किया गया था, है ना, और उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो अरब नेशन से उन्होंने बोला कि तुम यहां पर ये नहीं कर पा रहे हो, तुम प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, ये हमें पाकिस्तान का सिनेरियो देखने को मिला था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन का, हालांकि एमएम एकेडमी ऐप पर जब इंटरनेशनल रिलेशन में लेकर आऊंगा तो इसी संदर्भ में, इसी तरीके से, इसी सेक्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी जाए। कोई भी रिलेशन को इस तरीके से हम देखेंगे, जिससे कि आप भी खुद ये सोच पाओगे किस तरीके डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ा सकते हैं, तो वो हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, हम अच्छी कॉम्प्रेहेंसिव में लेकर आऊंगा एमएम एकेडमी ऐप पर। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये तीन पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है, सिनेरियो समझ में आ गया है। जो भी आप देखिए, किसी कंट्री के साथ अगर हमारा रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ये तीन ही पर्सपेक्टिव में से कोई ना कोई चीज खराब होगी। ठीक है, और उसमें भी जहां इकोनॉमिक टाइज बहुत ज्यादा खराब है, जहां इकोनॉमिक टाइज बहुत ज्यादा खराब है, वहां रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। जहां पर इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो थोड़े अच्छे हैं और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर वॉर जी सिचुएशन जो है, एकदम वॉर जो है वो बहुत कम चांसेस है होने के। चाइना देख लीजिए, वहां पर पॉलिटिकल जो है वो बहुत खराब चल रहा है, इकोनॉमिक इतना खराब चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हालांकि खराब चल रहा है, लेकिन वैसा अगर देखा जाए तो इतना खराब नहीं है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल टाइज है इतने खराब होने के बावजूद आप देखोगे तो मीडिएशन हो ही जाता है। अब ये पॉलिटिकल अपना दबदबा बनाने के लिए तो सभी कंट्रीज करती है कि हाँ ये वो होता रहता है, है ना, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। आप नेपाल देख लीजिए, सोशल रिलेशन जो है इतने दबदबे होने की बात भी, क्या इतने अच्छे रिलेशन नेपाल के साथ है? तो ये प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आ रहा है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हालांकि हमने इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर देख लेंगे, जिससे कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों पर्सपेक्टिव में आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हुआ क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका निर्णय लाया गया है, और कंटेम्प्ट हुआ है ये बोला भी गया है। अब कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है क्या रेफर किया जाता है? रेफर किया जाता है ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। मतलब जो कोर्ट है उसकी अथॉरिटी या डिग्निटी को अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो फिर माना जाता है कि कोर्ट जो है उसका कंटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बेसिकली हुआ क्या है, जो भूषण है उनका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखा गया, उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे, दो ट्वीट किए थे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, दो ट्वीट किए थे, और उसमें उन्होंने कुछ कोर्ट के अगेंस्ट में बात की थी। मतलब इस तरीके की कुछ बात थी कि जो कोर्ट है, दो साल में उन्होंने, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कुछ इस तरीके की चीज़ की है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसमें काफ़ी अपना हाथ बटाया है।
तो कुछ इस तरीके के उन्होंने ट्वीट किए थे और फिर उसके बाद उन पर चार्ज लगाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और फाइनल यहाँ पर निर्णय जो है वो लिया गया और उनको दोषी जो है वो पाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो ये पूरा न्यूज सिनारियो है। न्यूज क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है और वो कौन कौन से टाइप होते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है वो हमने देख लिया है, अब उसके टाइप क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर्ट जो है, देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपको अलग अलग, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी एग्जाम की, तो उसमें आपको केसेस जो है वो भी याद रखने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर केसेस जो है वो भी लिए हैं, जैसा कि जो कोर्ट है उन्होंने कौन कौन से केसेस पर रिलाय किया है ये डिसीजन देने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले तो ब्रह्मा प्रकाश शर्मा जो है 1953 का केस था उसके ऊपर, ये सारे केसेस जो है कंटेम्प्ट के है, तो उसके ऊपर रिलाय किया। उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें से कौन सी चीज उन्होंने लिए है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट is likely or tends in any way to interfere with the proper administration of justice। देखिए कंटेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के कंटेंट ऑफ कोर्ट होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, जो कोर्ट है उसकी अगर कार्यवाही है उसमें अगर आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो एक कंटेंट ऑफ कोर्ट रहेगा। लेकिन जब ऐसा आर्ग्यूमेंट आया कि यहाँ पर कार्यवाही में तो कोई दखल हुई नहीं, ट्वीट ही किया है ना, इसमें क्या दखल हुई। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर आप पास कर रहे हो तो वो एक इंटरफियरेंस ही है विद द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्योंकि लोग जो है उनका यहां पर एक चला जाता है तो वो यहां पर उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इंटरफियर करने की जैसी ही चीज है, ठीक है। ये बोला गया जो जज है उन पर अगर अटैक किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट, जो भी जजमेंट पास किया गया है जजेस के द्वारा, अगर उन जजेस पर आप टिप्पणी कर रहे हो, उन पर अटैक कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस की, उसे ये अफेक्ट करता है। मतलब कि जो कार्यवाही है उसमें दखल अंदाजी हो रही है। तो इस तरीके की हमें जो चीजें हैं वो यहां पर देखने को मिली है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस है वो यहां पर खत्म होते जाता है। उसी के साथ स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का स्कैंडलाइजेशन करना, मतलब कोर्ट को डिफेम करने की कोशिश करना, जिससे कि जो लोग है उनका जो भरोसा है कोर्ट से वो उठ जाए। तो उसमें हमें कौन से केस देखने को मिलते हैं, तो यहां पर मिश्रा जो केस है वो देखने को मिलता है 1974 का, जिसमें यहां पर स्कैंडलाइजिंग जो है कोर्ट का वो पाया गया था, और उसी के तहत यहां पर देखने को मिला है कि जो विलिफिकेशन होता है, मतलब कोर्ट को गालियां देना, कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ बोलना, तो विलिफिकेशन जो है ये अगर इंडिविजुअल के द्वारा किया गया है जजेस का, तो फिर यहां पर क्या होगा, तो जो कंटेम्प्ट है वो बट ऑब्वियस है कि कमिट किया गया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके जो केसेस है उसका यहां पर जो सहारा है वो लिया गया है। तो ये केसेस के रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए। यूपीएससी के लिए केसेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जुडिशियरी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए केसेस जो है भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जजेस का क्रिटिसिज्म हो रहा है गुड फेथ में हो रहा है तो वो कंटेम्प्ट नहीं रहेगा, लेकिन गुड फेथ क्या है ये एक मिलियन डॉलर का क्वेश्चन बन जाता है ना, कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो गुड फेथ में क्या क्रिटिसिज्म होगा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब हम आते हैं यूपीएससी ओरिएंटेड चीज पर। अब देखिए एक्ट जो है ये कंटेम्प्ट को दो भागों में डिवाइड करता है। ये कौन सा एक्ट, तो होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो दो भागों में होता है, सिविल एंड दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, विलफुल डिसोबीडियंस किसी ऑर्डर का, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सिविल मतलब क्या है कि अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उसका विलफुल डिसोबीडियंस कर रहे हो, मतलब यहां पर निर्णय बताया गया और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं मानता, मैं कोर्ट को मानते नहीं, मतलब ही नहीं, ये क्या डिसोबीडियंस हो गया है ना, ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट। फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर आप कोर्ट का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, मतलब कि कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो जिससे कि उसका डिफेमेशन हो, जिससे कि लोगों का भरोसा जो है वो उड़ जाए, कुछ ऐसी चीजें पब्लिश कर रहे हो, उसी के साथ आप प्रिजुडाइज एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। उसी के साथ अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन जो उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पर क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो जजेस को, कोर्ट को, जुडिशियल ऑर्डर को, तो एक इंटरफियरेंस जैसा ही है, ऐसा यहां पर संदर्भ जो है वो लिया गया। स्कैंडलाइजेशन मतलब क्या है, ब्रॉडली रेफर किया जाता है स्टेटमेंट या पब्लिकेशन अगर आपने पास किया है जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी में वो नीचे चला जाए, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में अगर कोई भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर ये जो डिस्टिंग्विश किया गया है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों सिविल और क्रिमिनल लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपको सवाल ऐसा तो आएगा नहीं व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसा तो मतलब आपको क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा ही नहीं। आपको पूछा कैसे जाएगा, एनालिटिकल क्वेश्चन, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन होता है, एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं,
तो इसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इवेल्युएटिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कोर्ट को ज्यादा पावर देता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये एक इंडिविजुअल की लिबर्टी छीन रहा है, या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में जाता है। तो ये प्रूफ करो या इवेल्युएट करो या इसको एनालिसिस करो, ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिख रहे हो तो अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको एनालिसिस करना है, तो बट ऑब्वियसली जब आप एनालिसिस कर रहे हो तब आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, मतलब इसके फेवर में कौन कौन सी चीजें हैं, इसके अगेंस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा और इन दी एंड आपको फाइनल कंक्लूजन देना पड़ेगा। जब आपको इवेल्युएट बोला जा रहा है तो आपको बहुत सारी चीजें आती है जो हम एमएमए एकेडमी ऐप पर आंसर राइटिंग कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पर ये तो हमारा पूरा ढांचा तैयार हो गया, अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर। अब यहां पर अगर आप देखोगे अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये नहीं रहना चाहिए, तो ये सिविल लिबर्टीज के अगेंस्ट में है। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रख रहे हो तो ये सिविल लिबर्टीज के अगेंस्ट में है, मतलब क्या है कि लोग जो है उनको यहाँ पर क्या मिला हुआ है, आजादी मिली हुई है, फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो वो चाहे वो बोल सकते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर वो बोलने पर उनका कंटेम्प्ट हो रहा है तो ये तो गलत हो जाता है, तो ये क्या है, अगेंस्ट सिविल लिबर्टीज है। दूसरा अगर हम देखें तो ये वाइड स्कोप ऑफ कंटेम्प्ट है, जैसा कि हमने कहा कि अगर गुड फेथ में क्रिटिसिज्म किया जा रहा है तो कंटेम्प्ट नहीं रहेगा, लेकिन गुड फेथ में क्या है, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, पता ही नहीं है, वाइड है, मतलब कुछ भी। मैं अगर यहाँ पर बोल दूं कि कोर्ट जो है उन्होंने निर्णय जो है वो अच्छा नहीं दिया है, सीधा कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, है ना, तो पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उसी के साथ इंटरनेशनल डिस्यूज जो है कंटेम्प्ट डॉक्ट्रिन का, ये हमें देखने को मिला है। तो इसलिए इंग्लैंड जो है उसने एबोलिश कर दिया था, उसी के साथ कनाडा जो है उन्होंने भी यहाँ पर कंटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर डेंजर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा सब कुछ देखने को मिला था। अमेरिकन कोर्ट जो है वो भी यहाँ पर कंटेम्प्ट जो है वो यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है। अगर हम फेवर की बात करें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहना चाहिए, फेवर की अगर हम बात करें तो क्या आता है कि बहुत सारे कंटेम्प्ट के केसेस आते हैं, मतलब आज भी अगर हम देखें जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो बहुत सारे हाईली जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम निकाल देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को तो बट ऑब्वियसली कि और ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा क्रिटिसिज्म बढ़ गया तो लोगों का जो भरोसा है कोर्ट से वो चला जाएगा, सब लोग अपने हाथ में जो केसेस है वो लेने लग जाएंगे। उसी के साथ ज्यूडिशियरी रेपुटेशन जो है यहाँ पर अफेक्ट होगी, है ना, लोग जो है वो कम भरोसा रखेंगे, कम लोग वहां पर ज्यूडिशियरी में जाएंगे, अपने खुद से यहाँ पर जो लॉज है हाथ में लेकर काम करना शुरू कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ कंटेम्प्ट पावर, यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स भी हमें मिलता है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी जो कोर्ट है उसके लिए देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो रहना चाहिए। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में, फेवर में, पांच पांच पॉइंट आपने लिख लिया, उसके फाइनल कंक्लूजन आपने डाल दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो रहना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ आपको आपके हिसाब से आपको जो रखना है कि अगर आपके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बन रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये हानिकारक है और इस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाए जाने चाहिए, या फिर अगर आप फेवर में रख रहे हो तो हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहना चाहिए, और अगर रखते हैं आप तो फिर उसमें आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखने चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली रहेगा क्या, उसे प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो। उसी के साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर आपको बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो उससे निकलने के भी प्रावधान जो है वो दिए जाने चाहिए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप वहां पर लिख सकते हो आपके कंक्लूजन में, तो इस तरीके से आपका हेल्दी आंसर जो है बन जाएगा। पूरा समझ में आ गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये न्यूज आर्टिकल में हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो चलिए पेपर में भी एक बार देख लेते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहाँ देखने को मिल रही है, फिर हम यहाँ पर उसका देख लेंगे जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो एनआईए जो है ये हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है, एनआईए अरेस्ट 4 मोर इन द गोल्ड स्मगलिंग केस, है ना। तो इस तरीके से हमें एनआईए जो है ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। अब जब भी आप पेपर पढ़ते हो, देखिए ये मैंने क्यों लिया है, जिससे कि आपको पता भी चल जाए किस तरीके से हमें पेपर पढ़ना है। तो यहाँ पर जब आप पेपर लेते हो तो आपने ये देख लिया कि एनआईए ने 4 और लोगों को गोल्ड स्मगलिंग केस जो है उसमें अरेस्ट किया है। आप अगर ये पढ़ने लग जाओ कि गोल्ड स्मगलिंग केस जो है वो क्या है, मतलब यहाँ पर और ज्यादा आप डिटेल में जो है वो जाने की कोशिश कर लो कि अरेस्ट किया है 4 और लोगों को जो यहाँ पर केरला गोल्ड स्मगलिंग केस जो है उसमें अक्यूज्ड है, तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब गोल्ड स्मगलिंग केस क्या है, तो यहाँ पर की अक्यूज जो है ये हमें ये देखने को मिल रही है, तो इनका नाम आपने याद कर लिया, तो ये फालतू की चीजें हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने न्यूज देखी और उसके बाद ये न्यूज में अगर आप देखो तो न्यूज में से एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज में से आपको कोई भी चीज पूछी नहीं जाने वाली है,
पूछा क्या जाने वाला है, पूछा जाने वाला है आपको एनआईए के बारे में। तो यहाँ पर एनआईए जो है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो अब एनआईए क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। और उसी के साथ साथ अभी हाल ही में हमें इसमें चेंजेस भी देखने को मिले हैं, अमेंडमेंट भी देखने को मिला है, और इसीलिए एनआईए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ एनआईए को कंपेयर किया जाता है सीबीआई के साथ, तो सीबीआई और एनआईए में डिफरेंस क्या है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो जो आर्टिकल है वो देख लीजिए, और इसमें देखिए कि मैंने पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके लाया है, कुछ भी यहाँ पर आर्टिकल में से नहीं है। तो जब इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो बट ऑब्वियस है कि शेयर तो बनता है, इसलिए आप शेयर जरूर कर दीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा मिले। और अब यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आ ही गए हैं हम, तो फिर उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो दूसरी न्यूज आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपके लिए होमवर्क क्या है वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक न्यूज आर्टिकल है जो मैंने आपको कहा था बहुत ही एक शर्मनाक न्यूज आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पॉस्को एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पॉस्को एक्ट। तो पॉस्को एक्ट बेसिकली इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, अगर रिसेंट टाइम्स में हम देखें इसमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं। इससे रिलेटेड आईपीसी के भी हमें कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं आईपीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है पॉस्को एक्ट जो उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पॉस्को एक्ट में और आईपीसी में जो भी रेप से रिलेटेड आईपीसी में सेक्शंस दिए गए हैं उनमें डिफरेंस क्या है, एक तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आईपीसी अगर आप देखोगे तो वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन अगर पॉस्को हम देखें तो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कि अगर बच्चा है, मेल है, बॉय है, उसके साथ या गर्ल के साथ किसी के साथ भी होता है तो ये एक्ट होगा। आईपीसी सिर्फ अगर लड़की है उसी के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। दूसरे कौन कौन से डिफरेंसेस है वो आप मुझे जरूर बताइए। तो इसी तरह अगर आपको ऐसा चाहिए कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ा जाए तो उस पर भी मैं एक जो आपके लिए एक वीडियो जो है वो लेकर आ जाऊंगा, तो आप मुझे वो भी बताइएगा। तो अब चलिए चलते हैं हम एनआईए पर। तो यहाँ पर हम एनआईए और सीबीआई जो उसका डिफरेंस देख लेते हैं। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये एक प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसी है, ठीक है। इसे कब बनाया गया था, जब मुंबई टेरर अटैक हुए थे उसके बाद एनआईए को बनाया गया था। एनआईए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक एक पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। एनआईए जो है इसके पास सीओमोटो पावर है। सीओमोटो पावर मतलब क्या है कि खुद से डिसीजन लेना, मतलब कोई उसको बोलेगा नहीं, खुद से उसने डिसीजन ले लिया, ठीक है, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी किसी भी इंडिया के पार्ट में देखने को मिलती है तो। एनआईए जो है ये केसेस रजिस्टर कर सकता है, किसी भी स्टेट में एंटर कर सकता है बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। अगर आप सीबीआई देखो तो सीबीआई जो है उनको परमिशन लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट की, हालांकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सीबीआई को कंसेंट जो है वो दिया हुआ है, लेकिन सीबीआई को परमिशन लेना पड़ता है कि हम एंटर करें या ना करें, है ना। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ पर सेशन कोर्ट जो है एज अ स्पेशल कोर्ट यहाँ पर डिसिग्नेट करे आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट फास्टर ट्रायल के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे अमेंडमेंट जो है, मतलब जो यहाँ पर अमेंडमेंट हमें देखने को मिला है 2019 का, उससे पहले 2008 का जो 8 का जो एक्ट है ये यहाँ पर स्पेशल कोर्ट जो है उसका प्रावधान यहाँ पर देता है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, यहाँ पर एनआईए एक्ट जो है ये वॉयलेट करता है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को क्यों यहाँ पर अफेक्ट करता है, क्योंकि फेडरलिज्म क्या है कि स्टेट्स की अपनी एक पावर है ना। यहाँ पर बेसिकली वो कह रहा है सेंटर जो है वो सीधा यहाँ पर स्टेट में छोड़ रही है एनआईए को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ ने बोला था ये वॉयलेट करता है फेडरलिज्म को, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि जो लॉ एंड ऑर्डर हमें देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर ये आता है स्टेट लिस्ट में। हमारे यहाँ पर अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती है ना, मतलब क्या है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली राज्य सरकार लॉज बना सकती है। लॉ एंड ऑर्डर अगर हम देखें स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर भी निर्णय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो ये स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को हानि पहुंचाता है। तो ऐसा भी मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एनआईए एक्ट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को हानि पहुंचा रहा है, उसमें आपको एनआईए क्या है वो लिखना पड़ेगा, एनआईए के क्या क्या फीचर्स है वो लिखना पड़ेगा, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर अगर हम सीबीआई देखते हैं और एनआईए का अगर हम और एक पॉइंट देखते हैं, सीबीआई जो है सीबीआई बेसिकली फेडरलिज्म क्योंकि उनको परमिशन लेना पड़ता है। एनआईए का दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि पहले क्या होता था, पहले एनआईए ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसी को देखती थी। ओरिजिनली अगर हम देखें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट,
यही देखा करती थी। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हमें 2019 में देखने को मिला है, उसके बाद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केसेस हैं वो भी इसके अंडर में आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सुओ मोटो केस लेता है, मतलब अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस उसको किसी भी राज्य में दिखाई दिया तो सीधा जाके झड़प मार देगा एनआईए, ठीक है, बाद में पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें देखने को मिलता है, साइबर टेररिज्म हो जाए, काउंटरफिट करेंसी हो जाए, है ना, तो मैन्युफैक्चर सेल जो होता है प्रोहिबिटेड आर्म्स का वो हो जाए, तो सारे अब इसके अंडर में आ गए। मतलब जो सीबीआई है, सीबीआई अब उसके अंडर में सारी चीजें थी, लेकिन अब यहां पर इसके अंडर में आ गई है। मतलब अब इसको सीबीआई को तो परमिशन लेते रह जाएगा सीबीआई, एनआईए पहली झड़प मार देगा। तो ये चीज हमें देखने को, और क्या है, एनआईए पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंडर में आता है ना, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी जो है, पावर टू फोरफिट प्रॉपर्टी, ये स्टेट पुलिस चीफ के पास में था, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, ये भी एनआईए के हाथ में आ गया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि फेडरलिज्म जो है उसको हानि पहुंचाता है। तो इसीलिए आपको इसके रिगार्डिंग तैयार रहना है मेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द मेरे याद रखिए, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म है, यहां पर लीज जो है ट्रांजेक्शन का अंदर न्यू टैक्स रिजिम, ये यहां पर एक्सपांड कर दी गई है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सी भी देखने को मिलेगा, जो टैक्स पेयर्स है अब वो यहां पर ज्यादा उन पर नजर रहेगी, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ज्यादा नजर रहेगी, जिससे कि टैक्सेशन को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो इसमें हमें ये सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो पेमेंट ऑफ एजुकेशन बोलिए, एजुकेशन फी, अगर आप 1 लाख से ज्यादा कर रहे हो पर एनम, अगर होटल, अगर आप पेमेंट कर रहे हो होटल को 20,000 से ज्यादा, अगर आप ज्वेलरी परचेस कर रहे हो, व्हाइट गोल्ड परचेस कर रहे हो अबव 1 लाख, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियर 50,000 से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ज्यादा निगरानी जो है रखी जाएगी। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे क्या है, अब जो भी आप टैक्स फाइल कर रहे हो तो अब आपको ज्यादा सतर्कता से रहना पड़ेगा, आप यहाँ पर चोरी जो है वो नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें, मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाए। टैक्स रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है कौन कौन सी चीजें लाई गई है, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ने क्यों लाया है, जिससे कि यहाँ पर टैक्स बेस जो है उसे वाइड किया जा सके, टैक्स बेस को वाइड किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फार्मिंग बताते हैं और खर्चा जो है वो लाखों में करते हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या है, टैक्स बेस जो है यहाँ पर वाइड किया जा सके, टैक्स पेयर जो है ये वॉलंटरी मैनर में उसे कंपाइल किया जा सके, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए लाया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये न्यूज आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, तो पॉस्को एक्ट क्या है इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पॉस्को एक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम जब इसका जवाब देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि MM Academy में आपका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 500 फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, फ्लैट 1000 फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपका 2021-22 के लिए अगर देने का विचार है UPSC या कोई भी एग्जाम, तो फिर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि 2 साल का इतने कम प्राइजेस में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।